फ्रेंड्स अप्पे या फिर आप बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पतीली चाहिए। इसके अंदर एक गिलास सूजी डालेंगे, ये तकरीबन 300 ग्राम है। अब इसमें हम दही डाल लेंगे, आधा किलो की दही है ये मैं डाल दूंगा इसमें, और जितना खट्टा हो दही उतना ज़्यादा बढ़िया है, तभी अच्छे से फूलेंगे हमारे अप्पे। तो इसको हाथों की यूज से हमें अच्छे से मसलना, आपस में इसको मिला देना एकदम। तो इसको अच्छे से मिलाना हमें एकदम। तो आप देख सकते हैं सूजी ने जल्दी अब्सॉर्ब भी कर लिया दही को और एकदम आटे की तरह बन गया ये। अब हम इसमें धीरे धीरे करके डालना पानी। तो एक गिलास पानी लिया मैंने, इडली की बैटर की तरह बनाना है। अगर आपने मेरी इडली की बैटर की वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, मैं इसमें भी दिखा दूंगा आपको कैसे करना है। इसको मैं एक विस्कर के यूज से करूंगा, इसमें पानी डालते रहेंगे हम, तो थोड़ा सा जोर लगेगा स्टार्टिंग में। आप स्पून से भी कर सकते हैं, पर मेरे पास विस्कर पड़ा है, मैं विस्कर यूज कर रहा हूँ। तो हमें इसका ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला बैटर बनाना है। थोड़ा पानी और डाल लेंगे, अभी मैंने एक ही गिलास पानी ले रखा है। तो आप देख सकते हैं बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो हमें इसे ढक देना है। तो हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। अगर आपका ज़्यादा टाइम है तो आप पूरी रात ढक सकते हैं इसको, इसको रेस्ट करने देना हमें। तो बैटर को रखने को 3 घंटे हो चुके हैं, अब इसमें पानी डालेंगे थोड़ा। अब देख सकते हैं फिर से गाढ़ा हो चुका है, फिर से पानी डाल के इसको फिर से विस्क करते रहेंगे हम। तो ये वही पानी है जो अभी हमारा एक गिलास यूज़ नहीं हुआ था। तो हमें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है, एक चम्मच उठाएंगे। तो अगर ऐसे करेंगे तो ये मतलब एकदम गिर रहा है, ड्रॉप ड्रॉप करके नहीं गिर रहा, तो बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है इसकी। अब इसमें सब्जियां डालेंगे। तो मैंने प्याज शिमला मिर्च ले लिया, आप या तो गाजर और बीन्स भी डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल होती है सब्जियाँ, आप अपनी मर्जी के डाल सकते हो, आपको नहीं पसंद है वो ना डालें। तो इसको बैटर के साथ मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। तो देखने में थोड़ा रायते की तरह लग रहा है, पर जो है वो ये नहीं है, मतलब ये हमारा अप्पम का बैटर है। अब हमें इसके लिए एक सांचा चाहिए। तो इसका इस तरह का सांचा आता है, देखने में इडली का लग रहा है लेकिन ये होता है इसके लिए। तो ये मेरे पास फुल साइज़ वाला है, इसमें 14 पीसीज आ जाते हैं, इससे कम 7 पीसीज वाला आता है। तो नीचे से ऐसा होता है, इसको डायरेक्टली गैस पर रखना होता है। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने सांचा गर्म होने रख दिया,
अब हम इसको ग्रीस करेंगे फाइन ऑयल से। इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हम टिश्यू पेपर से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो साफ़ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप छोटे वाला सांचा ही लें, क्योंकि वो गैस के ऊपर पूरा आ जाता है। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मैंने जब मैं ले आया तो मैंने देखा कि ये फुल साइज़ है, तो इसमें एक गैस पे थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर को आ जाता है, जिससे कि पूरा इसमें हीट नहीं आ पाती। फ्रेंड, बैटर में थोड़ा धनिया भी डाल लिया हमने फ्रेश, तो एक एक चम्मच डाल लेंगे हम अपना बैटर। तो मैं जल्दी जल्दी डाल लेता हूँ इसमें। तो फ्रेंड, यहाँ से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लिया थोड़ा मैंने, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये हम लास्ट वाले में भी डाल लेते हैं। तो अब सब में डाल दिया, तो सांचे को थोड़ा अब मैं इधर उधर कर लूँगा, क्योंकि मेरा प्रॉपर हीट नहीं जा पा रही, तो इसको थोड़ी देर हम होने देते हैं। तो आप देख सकते हैं, रखे हुए 2 मिनट हो गया मेरे को। अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे। एक स्पून ले लेना है, और स्पून की मदद से इसको, एक फिंगर की मदद से उसको उल्टा करेंगे। आप देख सकते हैं कितने मस्त सिक गया ये। तो बीच में से ज़्यादा अच्छा सिकेगा, साइड्स में थोड़ा कम सिकेगा, बट मतलब काफ़ी अच्छा बन जाएगा ये। तो थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, ताकि जो इसके ऊपर वाली साइड बैटर लगा हुआ है वो भी इसकी तरह ही अच्छे से पक जाए। तो जल्दी जल्दी सारे पढ़ लेता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो फिर से थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मैंने। तो आप देख सकते हैं, इस वाली साइड से थोड़ा सा कम सीखा था, तो मैंने सांचे को इधर को करके फिर इसको थोड़ा सा और सीख लिया था। तो आप देख सकते हैं, अच्छे से पलट लिया इनको मैंने। तो इसको होने देते हैं हम। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हैं। तो आज की वीडियो में इतनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।